शाहीनबाग मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस 3 सदस्यीय वार्ताकार को यहां पे भेजा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इसका जायजा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को इस पर फैसला करेगा। इस वक्त हम शाहीनबाग में मौजूद हैं और यहां पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी अपने विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यहां पे अभी इकट्ठा होना शुरू हुआ। आपको बता दें कि लगातार 3-4 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार यहां पे आए थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपी है। जो सुप्रीम कोर्ट से लोग आ रहे थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है आज अदालत में सौंप दी है। अदालत ने कहा है कि हम इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और 26 तारीख को फैसला देंगे। क्या लगता है किस तरह का फैसला आएगा? उन लोगों ने जो बात की, क्या बात की थी? हम देखो संविधान के लिए तो यहाँ बैठे, काला कानून को वापस करने के लिए, तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे अपने एतमाद है और वो हमारी जो भी सुने अभी तक सही आ रही है रिपोर्ट और आगे इंशाल्लाह हम उम्मीद है हमें कि बेहतर ही आएगा हमारे लिए जो भी आएगा। और जो हमने उनके साथ जो मीटिंग की थी, जो वो हमारी यहाँ से शर्तें लेके गई वो उस पर कामयाब होती है तो फिर नॉर्मल रोड, ये रोड के ऊपर तो रोड खुल सकता है। अगर कोर्ट अदालत ये कहती है कि इस सड़क को खाली कर दें और कहीं बैठ जाए तो आप लोग तैयार होंगे? इसके लिए तैयार नहीं होगी कि नहीं नहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, बात सुनिए, ये तो हमें करना है, ये तो हमारी एक दिन की लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है NRC NPR। और एक बात और, सबसे खुद आसाम में जो इन्होंने CA से जो वहाँ के लोगों को, हिंदुओं को जो कहा था कि हम वापस ले लेंगे, उन्होंने इनकलाब कर दिया है। वो कह रहे हैं हम CA से नहीं आएंगे क्योंकि हम ना लंका से हैं, ना हम अफगानिस्तान से, ना हम पाकिस्तान से हैं, हम यहीं के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो हम CA से क्यों वापस अंदर आएंगे? तो हम उनके लिए भी, वो जो 15 लाख जो हिंदू हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। जी बताइए, आप बताइए। जी यही कहना चाह रहे हैं, जो कोर्ट हमारे अब 2 दिन के लिए बाद में सुनवाई होगी तो हमें पूरा भरोसा है, यकीन है कि कोर्ट भी हमारी तरफ ध्यान देंगे, वो हमारे हक में भी कुछ फैसला करेंगे। अदालत जो है इन लोगों के पक्ष में फैसला देगी। इन लोगों का ये भी कहना है कि जो वार्ताकार आए थे उनसे जो हम लोगों ने बात की, उन्होंने अपनी उस पर सहमति भी कई बातों पर जताई। उन्होंने कहा हाँ आपका अधिकार है विरोध करना। वजाहत हबीबुल्ला ने जो अपने एफिडेविट दी है कोर्ट में, उन्होंने ये कहा कि शाहीनबाग के प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करा रहे हैं, अपनी सरकार को चाहिए कि अपने प्रतिनिधि भेजकर CAA NRC NPR पर बात करें। बहरहाल आज वार्ताकारों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है अदालत में, 26 तारीख को अदालत इस पर कोई फैसला सुना सकती है। कैमरामैन अनिर्वाण के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।